दोस्तों जय हिंद, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीवी तेजस पे। तो दोस्तों थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, धन्यवाद। दोस्तों अगर आप मुरुदेश्वर टेम्पल जाना चाहते हैं या फिर मुरुदेश्वर बीच जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर से आपको बस और ट्रेन दोनों ही मिल जाएगा। अगर आपको ट्रेन से जाना है तो ट्रेन का टिकट आपको 10 या 15 दिन पहले ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टिकट नहीं मिलेगा। और आपको बस से जाना है तो बस का टिकट आपको साथ ही साथ मिल जाएगा, जो कि उसका किराया पड़ जाएगा स्लीपर का 2000 का आसपास पड़ेगा, और अगर सीटर का लीजिएगा तो 800 से 900 रुपये आपको उसका चार्जेस देना पड़ेगा। तो चलिए अभी दूसरा वाला इन्फॉर्मेशन क्या है। तो दोस्तों आप अगर ट्रेन से जाते हैं तो आपको हर एक इमरजेंसी वाला आपको जो जरूरी है सामान वो आप बैकपैक पे रख लीजिए, क्योंकि 8:30 के बाद आपको कोई भी सर्विस वहाँ पे उस रूट पे नहीं मिलने वाला है, ना ही किसी स्टेशन पे एक भी शॉप खुला रहता है, ना ही कैंटीन वाला सर्विस देता है 8:30 के बाद। सो प्लीज आप जब भी आप ट्रेन से जाए तो प्लीज हर एक सामान आप कैरी कीजिए जो आपको रात को जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों आपको बेंगलोर से मुरुदेश्वर जाने के लिए टोटल 11 से 12 घंटे आपको लग जाएगा, जो कि यहाँ से ट्रेन से जाएंगे तो आपको 6 बजे ट्रेन में रहता है बेंगलोर से, और वहाँ पे पहुँचा देता है आपको सुबह 6 बजे। तो सुबह 6 बजे आप वहाँ पहुँच जाएंगे, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक राइट की तरफ जाते हैं और एक लेफ्ट। तो आपको लेफ्ट के रास्ते में 2 या 3 मिनट आप पैदल चलेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ शॉप मिल जाएंगे, शॉप मीन्स चाय की टपरी मिल जाएंगे, नाश्ता वगैरह करने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उस टपरी का बिल्कुल ऑपोजिट साइड आप रोड क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे आपको मंदिर जाने का गेट मिल जाएगा, मुरुदेश्वर टेम्पल जाने का गेट मिल जाएगा। उस गेट के अंदर सीधा एक ही रास्ता है, 2 किलोमीटर में आप पैदल चलिए, 10 या 15 मिनट लगेगा 2 किलोमीटर चलने के लिए। चलिए चलने के बाद आपको मुरुदेश्वर टेम्पल मिल जाएगा वहाँ पे। तो दोस्तों मुरुदेश्वर टेम्पल में क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो बने रहिए, ठीक है। तो देखिए मुरुदेश्वर टेम्पल में आपको मतलब ऐसा कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे, एक्स्ट्रा पैसा कोई खर्च ही करना नहीं पड़ेगा वहाँ पे टिकट वगैरह के लिए। मुरुदेश्वर टेम्पल में एंट्री फीस फ्री है, आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, तो आप टेम्पल देखने के बाद आप बीच का भी लुत्फ उठा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि देखिए वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं उस बीचेस में, बोटिंग होता है, राइडिंग होता है, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, और भी बहुत सारे ऐसे फन आप कर सकते हैं वहाँ पे, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया हूँ इस बीचेस को लेके, वो मेरा चैनल पे ही है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जाके देख लीजिएगा, बोटिंग का प्राइस वगैरह मैंने वहाँ पर बताया हूँ। तो ये रहा कुछ छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको दे दिया। ऐसा कुछ चार्जेस नहीं लगता है, टिकट वगैरह का चार्जेस नहीं लगता, अगर आप एक्टिविटीज़ करते हैं तो बीचेस में उसी का पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। अगर आपके पास कपड़ा वगैरह नहीं है वहाँ पे बीच में, अगर स्विमिंग करना चाहते हैं आपके पास कपड़ा वगैरह नहीं है तो वहाँ पे दुकान वगैरह मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप खरीद के आप स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।